ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम राजा राम जी के साथ चर्चा कर रहे थे, सीधे गोवर्धन चौधरी के पास चलूंगा। गोवर्धन, गोवर्धन, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं क्योंकि पत्रकार है, सामाजिक संगठन जो बने हुए हैं, क्या आम समाज का आदमी क्या अपेक्षा करता है इनसे, क्या ये अपेक्षा करता है, क्या आम व्यक्ति अपेक्षा करता है कि अगर वो अपराधी हो तो उसके पीछे समाज खड़ा हो, क्या ये अपेक्षा करता है या ये अपेक्षा करता है कि समाज की कुरूतियों को समाज के लोग मिलकर ख़त्म करें। देखिए, मैंने देखा है कि जो आदमी गरीब है, साधनहीन है, वो उम्मीद करता है इन समाजों की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका गठन शायद इसी उद्देश्य के लिए हुआ होगा, लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। आज गरीब वहीं का वहीं है, सामाजिक संस्थाएं उन लोगों को प्रमोट करने में ज़्यादा रुचि दिखाती है या ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती हैं, जिनके या तो राजनीतिक हित हैं या वो गलत कामों में लिप्त हैं। मैंने किसी भी सामाजिक संस्था को नहीं देखा अब अभी तक ये करते हुए, कुछ होंगे जो गरीबों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कॉमन मैन जिसकी समस्याएं हैं, जो गरीब है उसकी समस्याएं, उसको आगे, उसको समाधान में सामाजिक संस्थाएं उतना रुचि नहीं लेती बनिस्पत की राजनेताओं को आगे बढ़ाने के। दूसरी बात, ये जो अभी मुद्दा चल रहा था जिसके ऊपर एक सामाजिक उद्वेलन की सी स्थिति है, होना ये चाहिए था कि 10 समाजों के लोग हैं आपस में बैठ लेते और एक सामूहिक अपील जारी कर देते तो क्या बिगड़ जाता। आज हम टीवी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, अगर यही सामाजिक संस्थाएं एक सामूहिक बयान जारी करके ये कह देती कि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये समाज के हित में नहीं है, कॉमन मैन के हित में नहीं है, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, क्यों नहीं होता, लेकिन कोई नहीं करता। मुराद कुछ कहना है जी, फिर सुरेश जी आपके पास आ रहा हूँ, जो ये विषय आ रहा है उसको लेकर। आशीष जी, चर्चा काफी देर से चल रही है, अब तक उपाय सामने क्यों नहीं आ पाया, ये एक उपाय का विषय है, किस तरीके से उपाय की तरफ का, किस तरीके से जो कुछ होने जा रहा है सुनियोजित है या अचानक घटना घटी है, ये मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, ये विवाद का एक विषय है। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, जनमंच में हम लोग बैठे हैं, कि ये घटना, इसको ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या उपाय हो, एक बात तो ये चर्चा का विषय है। ये घटना किसी पर हमले को लेकर ये कार्यक्रम नहीं है जी, ये कार्यक्रम इसलिए है कि राजस्थान का सामाजिक ढांचा जो बिगड़ता जा रहा है उसको, इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं की। आशीष जी, दूसरा निवेदन मेरा ये है, काफी प्रबुद्ध लोग यहाँ विराज रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस की बात थी उदाहरण दिया कलवानिया जी ने, चाहे भाई साहब ने उदाहरण दिया, ठीक है, मेरा निवेदन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है। मीणा और मीणा के नाम पे राकेश जी बता रहे, जहाँ मात्रा का फर्क है, उस मात्रा पे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम चाहते हैं जो हुआ उसके बाद ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान का सामाजिक ढांचा नहीं बिगड़े। आपके पास आता हूँ और फिर सुरेश जी आपके पास आऊँगा, जो विषय उन्होंने चलाया है। मैं जितेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जो माननीय विधायक जी पर हमला हुआ वो बहुत बुरी बात है, या हमारे समाज ने कि बच्चों ने किया हो, किसी ने किया हो, वो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन जो हमला हुआ भीड़ में, माननीय राजाराम मिलनी जी अभी कहा कि उनको गाड़ी साइड में ले लेनी चाहिए, अगर भीड़ में सब तरह के आदमी होते हैं, सब तरह का दिमाग होता है, बहुत बड़ा जुलूस होता है, उसमें हर तरह के होते हैं, किसी का दिमाग कैसा होता है तो उसको हटके जाना चाहिए, अगर वो हो भी गया तो पास वाले थाने में उनको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए कि वे विद्यालय के बच्चों को उसमें आगे बढ़ाएं, उनकी पढ़ाइयों को ख़राब करें, इतना बड़ा वहाँ तक ही अपने समाज को मिलकर के आपस में मिलना चाहिए। जाट समाज हमारा कोई वैमनस्यता नहीं है, हमेशा कंधे से कंधे लगा करके चलते हैं, हम आपस में एक साथ रहते हैं ना, एक के एक जाति से कोई विधायक जीत सकता है, विधायक की बात तो ये रही। दूसरी बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपराधी को सजा दी है, जो अपराध थे उनको उजागर किया है, ना कोई जाट समाज का किया है, ना कोई और भी समाज थे, बाबूलाल भैरवा जी थे। बाबूलाल भैरवा भी गया और कई चीज गए, तो उन्होंने जो उनको अपनी पूरी बात कहने थे अपने, उन्होंने कांग्रेस ने जो किया, तो गहलोत साहब का नाम ले रहे हैं या किसी कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने न्याय किया या अपराधी को दिया, अपराध था, उनको अपनी बात कहने थे, उनका अपना पक्ष है, उन्होंने जिस तरह से एनालिसिस किया, अरे भाई वो कांग्रेस है, उनको नंबर, लेकिन उनको अपने नंबर भी बढ़ाने हैं। समाज के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, समाजों को मिलकर के रहना चाहिए, समाज की ऐसी बात नहीं है। चलिए सुरेश जी आशीष जी एक मिनट, आता हूँ। आप आशीष जी ये कह रहे हो कि
जो सामाजिक स्वार्थ होना चाहिए, सबसे पहला सामाजिक स्वार्थ अगर बिगाड़ा तो अशोक गहलोत ने बिगाड़ा। मैं बताता हूँ कि सामाजिक न्याय मंत्री, मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत क्यों नहीं, जो अगर सामाजिक न्याय मंच बनवा करके पूरे राजस्थान में सत्येंद्र वो क्या सैनी के थ्रू सारे राजस्थान में लोगों को घुमाया, अशोक गहलोत ने बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा? उसको ये पता था कि जातीय टकराव होगा और मेरी राजनीति सदेगी, इसी वजह से उन्होंने ये काम किया। अगर अशोक गहलोत मैं एक बात कह रहा हूँ, दोषारोपण पर नहीं, मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूँ, सुरेश जी के साथ आऊंगा आपके पास। सुरेश जी, विषय वही सब चल रहा है कि जब तक वो पीछे से गोवर्धन जी ने कहा कि समाज कुछ अपेक्षा करता है, हम सामाजिक संगठनों से अपेक्षा करता है, हम सामाजिक संगठन जब बनाते हैं तब सारे समाजों के हर विषय को हम रखते हैं, और जैसे ही संगठन बन जाता है लोग जुड़ जाते हैं, हमारे विषय आरक्षण हो जाते हैं, टिकट मांगने हो जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से समाज संगठनों का दायित्व तो है कि समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें अगर इस प्रकार की बातें आती हैं तो वो सरासर गलत हैं। आरक्षण की बात जहाँ तक कहने की बात है, आरक्षण विषय ऐसा है कि जो समाज से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है, हर व्यक्ति को अपना हक मिलना चाहिए। सुरेश जी, क्या आरक्षण मानने से आपका समाज आगे बढ़ जाएगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्या क्या समाज की कुरीतियों को दूर करने से नहीं बढ़ेगा? देखिए, कुरीतियां दूर करने का काम चल रहा है, वो लगातार सतत चलता रहता है, चलता रहेगा, लेकिन आरक्षण मिलते ही सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आरक्षण भी एक विषय हो सकता है, जैसे ये भी विषय हो सकता है, ये भी यही मानते हैं, जो समाज के लोग कहते हैं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि आर्थिक आधार पर 14% आरक्षण, जो जातियां आरक्षण से वंचित हैं उनको मिलना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूँ उसके अंदर? जो गरीब है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि सब मूल जो है जातिवाद या इस पूरे वैमनस्य की जड़ ये आरक्षण है? तो खत्म करके दिखाओ उसको भाई, किसी की हिम्मत हो तो। खत्म नहीं हो सकता, ये आरक्षण खत्म करना संभव नहीं है। तो फिर और इसलिए आरक्षण का आधार, मैं इनके पर विक्रम जी के पर, विक्रम जी क्यों नहीं आप लोग ये बात करते हैं जो सुरेश जी कर रहे हैं? आरक्षण का आधार आर्थिक की बात कर रहा हूं मैं। आप कहिए कि खत्म कीजिए, गरीब उसको उसका मिलना चाहिए। आप कहिए हम 14% छोड़ रहे हैं। मैं छोड़ दूंगा, ये कहेंगे, ये हम तो आज ही कह देंगे आपके मन से, लेकिन उसके कहने से क्या होगा? उसके बाद में आर्थिक आधार पर हम जो बात कर रहे हैं वो देश के हित की बात कर रहे हैं। जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। आज देखिए, किसी व्यक्ति किसी जाति समाज की अपन बात नहीं करें, किसको लाभ मिल रहा है अपन जानते हैं, कौन उसका लाभ ले रहे हैं ये भी जानते हैं। आज देश का राष्ट्रपति, बोल भी दीजिए आप, देश तो का राष्ट्रपति, चर्चा जब इतनी देश का राष्ट्रपति तो। के आर नारायण, उनकी लड़की चिता नारायण ऐसी कोटे से आईएएस बन रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विक्रम जी, जी जी, मैंने बिल्कुल देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल गुजर समाज, ये जड़ है, ये जड़, हाँ नहीं जड़ नहीं है। देखिए, सामाजिक संगठन जो हैं वो अपना काम करते हैं कि कम्युनिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन मिले। गुजर समाज की जो आपने बात कही, आज आजादी, आप लोग, मैं कहता हूँ आप काम करिए, मैं कह रहा हूँ आप करिए, बहुत सारे काम करिए, समाज में हजारों लोग गुजर समाज ने अपने भी सोते होंगे, समाज ने अपनी उनकी भी चिंता कीजिए। बिल्कुल, गुजर समाज ने अपनी डिमांड, समाज में नहीं होंगे हर रोज रात को 500 लोग भूखे सोने वाले। गुजर समाज के लोग भी राजस्थान में रहते हैं, उनका भी इस प्रगति में योगदान है, वो लोग भी जीना चाहते हैं, वो लोग, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनके पास भी पैसा हो, उनके लोग भी अफसर बने, उनके लोग भी प्रशासन में आए। 40 साल आजादी के, बिल्कुल 60 साल बाद, 60 साल आपका समाज अगर मिलकर कोशिश करता तो आज वो उसी जगह खड़े होते। अगर फाइंडिंग होती है, चोपड़ा कमेटी ये कहती है आजादी के 60-65 साल बाद कि आज भी गुजर समाज के गांव जो है दरिद्रता के टापू बने हुए हैं, तो आप और हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम किस समाज की बात कर रहे हैं? सुरेश जी, 60 साल किस विकास की बात कर रहे हैं? 60 साल की समाज और विकास की बातें जो कर रहे हैं आप, एक आज आरपीएस, एक आरपीएस ने राजस्थान के अंदर गुजर, इसे शर्म की क्या बात हो सकती है? 7.5% गुजर रहते हो, शिक्षा की बात क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, 60 साल में, 60 साल में मिलेगा, 60 साल में हम अवसर की बात कर रहे हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए, गुजर समाज को अधिकार मिलना चाहिए, 60 साल में लड़के बच्चे स्कूल में पढ़े, इसी की हम डिमांड। सुरेश जी 60 साल ये कह रहे हैं, 60 साल का पिछड़ापन, जिन आरक्षण की बातों को मैं उसको अलग हटा के बात कर रहा हूँ। आशीष जी, पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये चर्चा किस पे है? ये मैं कह रहा हूँ, ये मूल सुधार की है, ये मूल राजनीति सुधार की, ये मूल जड़ नहीं, चर्चा समाज मैं, सुधार मैं है जो विषय, मैं जो विषय कह रहा था कि सामाजिक संगठन जो है अगर 60 सालों से अपने समाजों को प्योरीफाई करते रहते, मैं तो कह रहा हूँ स्थिति नहीं होती। नहीं नहीं, सामाजिक संगठन समाज सुधार पे काम करते रहते, सरकार बनाना बिगाड़ने का काम छोड़ देते तो निश्चित समय समाज का भी सुधार होता, आपने थोड़ा मजा आता है, आपने थोड़ा मजा आता है। मैं एक अपील कर दूं कि आपके जाट बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस नहीं देंगे, थोड़ा सा मजा नहीं आता? ये गलत है। वो किसी भी समाज का अध्यक्ष हो, वो ये अपील करे कि मैं मेरे समाज से अपील करता हूँ कि ये समाज सुधार हो। मैं एक मेरे भाई की बात से सहमत हूँ
कि विश्वविद्यालय के अध्यक्षों के लिए आंदोलन पहले होते रहे, ये नई परंपरा नहीं है। हम भी सहमत हैं, कोई असहमत नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक तुल क्यों दिया गया? हनुमान बेनीवाल गलती करे लेकिन जाट समाज को नहीं जोड़े। हनुमान बेनीवाल सर्वस्व जाट समाज नहीं है राजस्थान का, लेकिन ये समाज के पहले बात हुई उनपे ये बात क्यों नहीं हुई? उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। ये समाज के जो ठेकेदार थे वो उस समय कहां चले गए थे? आज समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज उत्थान की बात क्यों नहीं करते? समाज को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? समाज सब पार्टियों को, सब जातियों का को जुड़ के राजनीतिक पार्टी बनती है, किसी एक समाज से राजनीतिक पार्टी? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जिस चीज को सुरेश जी मैं कह रहा था, गिरिराज जी मजा आता है, हम जब सुरेश जी आपको रोकता हुआ एक बार चलूंगा, क्योंकि वो राजेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि बड़ा मजा आता है जब हम कहते हैं ना कि हम जिता देंगे या हरा देंगे, हमारा समाज जिता देगा हरा देगा। देखिए, वो ताकत का एहसास होता है। सबसे बड़ी गलती यही है, मैं आपको बताऊं आशीष जी, थोड़ा सा मैं डिफ्लेक्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियों की आपसी नूरा कुश्ती है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान का पटल उठा के देखो तो राजस्थान ही एकमात्र स्टेट है जिसमें टू पार्टी सिस्टम है। ये दोनों आपस में लड़के नेता लोग जो पार्टी के हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति करके, वो एक बार वो, एक बार तू, एक बार मैं, एक बार तू, जिनको अपनी रोटियां सेकनी है, मैं भी वही कह रहा हूं। राजेंद्र जी आप, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं राजस्थान में मैं राजपूतों की जो ये दावे के साथ कहता हूं कहीं नहीं लड़ने दूंगा, और जहां कहीं लड़ाई होगी मैं जाकर के हाथ जोड़ के उनको कहूंगा कि भाई आपको इस बीमारी में नहीं पड़ना, इन राजनेताओं के पीछे नहीं जाना, हमको हमारे समाज की सेवा करनी है। आधी रात को उठ करके इनसे भी जो है लोग बाग आते हैं जब जरूरतमंद होते हैं, गरीब जाट आते हैं उनको ये पैसे दे करके उनको खड़ा करते हैं, उनका इलाज कराते हैं, हमारे पास गरीब राजपूत आता है हम इलाज कराते हैं। जब आप दोनों ये काम करते हैं तो फिर समाज को इस दिशा में ठेलता आने वाला समय वही बता रहा है। इनकी जो टू पार्टी सिस्टम है वो ब्रेक होगा राजस्थान में, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाला सिस्टम है ये, और राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा होगा, इनकी दादागिरी बंद होगी। राजेंद्र जी, मेरा तो यही निवेदन है कि राजस्थान में केवल ये जातिगत आधार पर जो नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, हर समाज का हर जाति का अलग अलग नेता है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जो आज जो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पे कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी तरह सरकार चला रही है, आज या कोई भी काम करने की बात है, सारे काम हो रहे हैं अच्छी तरह। सरकार को नंबर मत दीजिए आप, तो ये बात नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि कांग्रेस की बार बार बातें कर रहे हैं, आज समाज के आज मीणा विवाद की बात है, मैं कहता हूँ मैं भी मीणा हूँ, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी दो नंबर उनको ही बढ़ाने दीजिए भाई, देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने हमारी बात मानी, मीणा और मीणा की बात जो है उन्होंने खुद हमारे चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में ये जवाब पेश किया कि मीणा के स्पेलिंग का फर्क है MINA और MEENA, निश्चित हमारी जो सरकार है काम कर रही है और निश्चित आगे काम होगा, हाईकोर्ट में निर्णय भी होगा, और जो और समाजों की बात है आप सरकार की तरफ से आश्वासन मत दीजिए, वो तो देने वाले लोग बैठे हैं, आप तो सिर्फ नहीं देखिए नहीं दे रहा, आज समाज की बात कर रहे हैं ना, तो समाज का तो ये नेता है ना, आप जो समाज के इतने में नंबर मिल जाएंगे, इतने में नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और अभी तक चर्चा काफी हमने ये चर्चा की है कि आखिर ये स्थिति क्यों पनपी है, लेकिन ये चर्चा का अंत नहीं है, चर्चा का हम अंत चाहते हैं कि स्थिति ये है लेकिन ये तस्वीर बदलनी चाहिए, राजस्थान की तस्वीर ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जातिवाद की एक तस्वीर हो, राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए, कैसे बदलेगी ये सूरत ये सीरत, इसी पर अब हम चर्चा करेंगे, सबके सुझाव लेंगे, यहां लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफी सारी गरम गरम चर्चा भी हुई है, लेकिन राजस्थान की ये तस्वीर सुधरे, जातिवाद का ठप्पा इस राजस्थान पर नहीं लगे, ये हम सबकी कोशिश है, और इसी कोशिश की आज हमने शुरुआत की है कि यहाँ पर सारे सुझाव भी आएँ, सब अपनी अपनी पहल भी बताएं, और हम एक नए राजस्थान जिसमें ये जातिवाद नहीं हो उस राजस्थान के लिए आगे बढ़ सके। सीधे शुरू करते हैं सुझाव जी। मेरा सुझाव यही है, पहले पुरानी परिपाटी के अंदर गाँव के अंदर पंचायत हुआ करती थी, उसमें कोई भी गांव में मन मुटाव होता था तो पंचायत के जो भी महानुभाव हैं जिसमें हर जाति के आदमी होते थे वो बैठ करके और उसकी प्रॉब्लम सुनते थे और उसका निपटारा करते थे। इसी तरीके से आजकल जो भाव चल रहा है वो पॉलिटिकल हो गया, गांव में भी हो गया, और वो देखता है ये तो इस पार्टी से, ये इस पार्टी से, ये इस जाति से, ये इस जाति के वोट मेरे पास है, इस जाति के वोट तेरे पास है,
मेन कारण यही है कि जातिगत भावना ये जो राजनीति में फैल रही है उसी के कारण से वैमनस्य फैल रहा है। तो पुरानी परिपाटी वापस ला करके गांव में जो लीडर है, जो भी पंचायत के मेन प्रभुत लोग हैं, वो बैठ करके इसका निपटारा करें तो आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। जी अपना सुझाव। नमस्कार जी, आजकल जो चल रहा है ये समाज में जहर घोल रहा है। राजनीति के लाभ उठाने वाले भागों में बांट दिया, ये जाट है, ये राजपूत है, ये मीणा है, ये गुर्जर है, ये कर दिया। हिंदुओं की संख्या आने वाले टाइम में अल्पसंख्यक हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी, आप सब अल्पसंख्यक हो जाओगे थोड़े बहुत टाइम में। बाद में फिर कहना कि ये गुर्जर है, ये जाट है, ये मीणा है, ये वो है, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। आज वही कारण चल रहा है अंग्रेजों वाला कि फूट डालो और राज करो। गुर्जर को राजपूत से बिड़ा दिया, राजपूत को जाट से बिड़ा दिया, इनको इनसे बिड़ा दिया, और कोई कारण नहीं है। जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा, जातियों के मतभेद नहीं भुलाओगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए सीधे और कोई सुझाव उधर से पीछे से कुछ कहना चाहिए। जी कह रहे हैं कुछ। समाज में जातिगत भावनाओं को न रखकर सबसे पहले प्रत्येक समाज को ये देखना चाहिए कि वो एक हिंदू है। ये जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर हमें आपस में चलिए प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। चलिए उनका अपना सुझाव है, सीधे इधर आगे आते हैं। आशीष जी, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हम गिरिराज जी बता रहे थे अभी कि कोई जातीय वैमनस्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम जाट राजपूत पिछले बताते हैं, लोग कहते हैं कि हमेशा टकराव रहा, उस टकराव को हम लोग ख़त्म करेंगे। जाट राजपूत भाईचारा कमेटी हमने बनाई है और जल्दी ही हम पूरे प्रदेश के अंदर हम घूमेंगे और हम चाहते हैं कि मीडिया वाले भी हमारा सपोर्ट करें। और बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे हमने ये काम शुरू कर दिया। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं बहुत संक्षेप में, समय का अभाव है जी, खड़े होके उधर से एक बार फिर आपके पास आता हूँ मुराद जी। तमाम प्रभुजन, तमाम जातियों के, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हो, झगड़े हिंदुओं में नहीं, झगड़े मुसलमान और हिंदुओं में भी होते रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसमें तमाम जातियों के लोग निवास करते हैं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, वो यदि कहीं किसी तरह का जाति वैमनस्य घोला जा रहा है तो वो तुरंत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहिष्कार करें, उस झगड़े का बहिष्कार करें और समाज, तमाम समाजों के नाम एक संदेश दें कि राजस्थान का नहीं अपितु हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी तरीके से सामाजिक द्वेषता को कोई नहीं होगा। चलिए इधर से कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, फटाफट बहुत संक्षेप में। मैं भाई की बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने जाट राजपूत एक बनाया है और उसका मैं बहुत समर्थन करता हूँ और इसमें जितना भी सहयोग बनेगा हम राजपूतों की तरफ से बिल्कुल करेंगे। हमारे समाज के ही अशोक चौधरी आईपीएस से नौकरी छोड़ गए, उन्होंने मृत्यु बोध जैसी कुरुति के लिए नागौर जैसे क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और आंदोलन किया। उस भाई को धन्यवाद देके उन्होंने हमारे से फोन पे करके सोशल मीडिया पे जाट भाई राजपूत भाईचारा पेज बनाया है और आज 3 दिन हुए हैं, 3 दिनों के अंदर 3,000 से ज़्यादा उसको लोग यूथ लाइक कर चुका है। और उसके अंदर उन्होंने हमने ये किया है, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक हम जाट भाई, जाट राजपूत भाईचारा रैली निकालेंगे। बहुत 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 आपके लिए ये मुराद जी, मेरे पास समय क्या थोड़ा सा। आशीष जी, मेरा इसमें संक्षेप में उपाय के हिसाब से सजेशन ये है, एक तो हमारे इंटेलिजेंस को बड़ा मजबूत किया जाए। खुफिया तंत्र मुझे विफल सा नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा हेजिटेशन होने जा रहा है और सरकार को, खुफिया तंत्र को इसकी खबर ना हो, तो एक ये एक बड़ी उम्मीद हमारी खुफिया तंत्र से भी हमें रहती है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बहाली की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता। परमिशंस जो है किसी भी हेजिटेशंस की, मेरा ये मानना है उसको बड़ा सख्त किया जाए, किया जाए। चलिए चलिए इधर तुरंत आता हूँ विक्रम जी के पास। यही करना चाहूँगा कि यहाँ अभी बोला गया कि जाट और राजपूत का भाईचारा बनाया जाएगा, तो मेरा तो यही उद्देश्य है और यही कहना है सबसे कि जाट और राजपूत अगर बन जाएंगे तो फिर दूसरे समाज फिर खड़े होकर आपस में लड़ेंगे। तो मेरा एक संक्षेप में यह है कि सबके सब मिलके सारा भाईचारा बनाना है, तो सारे हिंदुत्व सब मिलके एक साथ जाति भाईचारा बना दिया जाए। विक्रम जी, मैं निश्चित रूप से, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो हम लोग महासभाओं की राजनीति करते हैं समाजों की, उन सबको मिलकर के उनका एक दायित्व बनता है कि इस प्रकार के अगर विवाद कहीं होते हैं तो उनको जाति से नहीं जोड़ करके और उसको इस पर मतलब इस प्रकार का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। और जो अध्यक्ष है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, एक बार कहीं कोई को विवाद चला रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजाराम जी और सुरेश जी और गिरिराज जी को कहीं विवाद हुआ तो विवाद में कहा कि फलां मीणों ने ऐसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाहिए था राकेश ने ऐसा कर दिया, विक्रम ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। निश्चित रूप से लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोकने का एक, सुरेश जी हमारी एक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी खुद को निभानी होगी। सुरेश जी निश्चित रूप से बात सही है और सकारात्मक बात है
कि हम सबको मिलजुल करके बैठ करके कोई समस्या सामने आती है पहले तो समस्या को लाने का प्रयास ही नहीं किया जाए, और समस्या आती है तो सब लोगों को, हम लोग सब एक तो जुड़े हुए लोग हैं, गिरिराज सिंह जी से रोज़ बात होती है, राजाराम जी से मेरी नियमित बात होती होती है, तो हम लोग संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं उनको ठीक करना चाहिए। चौधरी जी, आशीष जी, समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसी समाज में चाहे प्रदेश में चाहे देश में कोई घटना हो तो उस समाज के अध्यक्षगणों को, प्रमुख लोगों को अग्रणी होके और तुरंत सामूहिक मीटिंग करनी चाहिए, सब समाजों को संदेश देना चाहिए, 36 कौमों का भाईचारा बनाना चाहिए, और सरकार को ऐसे संवेदनशील मामले में इंटेलिजेंसी को सख्त करना चाहिए। सीधे अजीत जी के पास आऊँगा, फिर आपके पास आता हूँ राजाराम जी, उधर से आपके पास आता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में देखने को आया कि हर समाज के अंदर संगठनों का बहुतायत हो गई है। जो भी समाज के कुछ अग्रणी लोग होते हैं, पहले देखने में आता था कि जो व्यापारी वर्ग है या जो किन्हीं काम धंधों से जुड़े हुए हैं या सरकारी सेवाओं में, वो कभी भी जातिगत मंचों को के ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन आजकल उनके ऊपर भी इस तरीके का दबाव बनाया जाता है कि जब समाज का कोई कार्यक्रम हो तो उन सभी लोगों को बुलाया भी जाता है, और उन सब लोगों के मन में भी ये रहती है कि अगर हमारी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही तो हम एक नया संगठन तैयार कर लेते हैं। तो जैसे समाज के जो समाज सेवी, जिनका हम कह रहे हैं कि ठेकेदार नहीं बोल के हम समाज सेवी बोल रहे हैं, तो उन समाज सेवियों को भी अपना मन इतना बड़ा रखना चाहिए कि हम अपने बराबर के 10 लोगों को साथ लेकर चलने की मन में भावना रखें तब। जी राकेश, देखिए, जहाँ सामाजिक सौहार्द की जहाँ बात है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज इस युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और एक मंच पर बैठकर इस कैसे राज्य का माहौल शांत हो, सभी संगठनों को पार्टी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, एक मंच पर चर्चा करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आखिर क्यों ये मुद्दे बनते हैं, सामाजिक मुद्दे क्यों बनते हैं, इन मुद्दों पर सरकार को सक्रिय होकर विचार करना चाहिए, जिस तरीके से ऐसे मुद्दे समाज में नहीं बने। और राजेंद्र जी, और एक राज्य में एक सौहार्द और शांति का माहौल बने। राजेंद्र जी, हर समाज के जो भी नेता हैं, प्रमुख या समाज के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको एक मंच पर आकर के एक साथ जुड़ करके, और जब कोई भी ऐसी तरह की हो तो हम भी समाज की बात करते हैं, हर समाज में भी हम गांव में कोई पंचायत करते हैं तो गांव में भी सब एक पंचायत लेके बैठ जाते हैं कि यहाँ की यही मामला ये निपटारा हो, तो कैसे भी पर आगे बढ़ के आगे भी सब प्रमुख नेताओं को मिल करके एक साथ मंच पर बैठ के ये जिस तरह ये बिल्कुल चलिए सीधे राजाराम जी आपके पास। मैं जाट समाज के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं उस बात को बंद करें, और एक समाज की जो बदनामी हो रही है उस बदनामी से बचावें, इस बात का ध्यान रखें। जाट समाज की बदनामी मैं पिछले 17 साल से हूं, आज तक नहीं हुई, हमने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगा करी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत रैलियां निकाली, सब कुछ किया, लेकिन ये बदनामी से बचे, हमारे युवा इस बदनामी से बचे, क्योंकि समाज क्योंकि आने वाला वक्त माफ नहीं करेगा किसी को भी। समाज को समाज के माथे ये बदनामी का कलंक नहीं लगाएं, मैं ये सबको सुझाव देता हूँ, और सब मिलके करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। गिरिराज जी, सरकार कानून बनाती है, अपने हाथ में रखती है। आज मीणा सभा कोई भी, मान लो हम पुराने जमाने में जात बार कर देते थे, हमारे जो भी ऑफेंस करता था उसको करके देख लो, 2 मिनट में सारे हमारे जो समाज सेवी या जो समाज के नेता हैं वो अंदर बैठेंगे। तो सवाल ये है कि सारी चीज़ को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, और सरकार कौन, MLA। तो हम जो सामाजिक संस्थाओं पे आप ये जो डांट डाल रहे हो, सामाजिक संस्था में न तो राजपूत सभा ने कभी कहा कि किसी MLA के भाटा मार देना, न जाट सभा ने ये नहीं कहा कि कोई धनंजय सिंह के तुम भाटा मार देना, दोनों हम यहीं बैठे, हम दोनों में से किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उसका कोई सामाजिक कंट्रोल नहीं है, न सामाजिक नेताओं का कोई कंट्रोल है, क्योंकि आपने सामाजिक नेताओं को तो कमजोर करने की साजिश की है। एक बार आपको रोकूंगा क्योंकि समय की सीमा है, और जो बात इस पूरी चर्चा में निकल कर आई, एक महत्वपूर्ण बात जो आखिरी में गिरिराज जी भी कह रहे थे, जो महत्वपूर्ण बात कि सामाजिक संगठन और संगठन में काम कर रहे सामाजिक लोग और समाज के ठेकेदारों, इन दोनों में अंतर करना होगा, और अंतर खुद को, हर समाज को अपनी पहल कर करना होगा, और ये पहल जब जिंदा होगी तब नीचे गांव तक पहुंचेगी, और गांव तक पहुंचेगी तब तस्वीर होगी एक नए राजस्थान की, जिसमें ये जातिगत संघर्ष कहीं भी नहीं टिकेगा। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।